अस्सलाम ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक। सबसे पहले तो हम आपको हमेशा की तरह बता दें कि कोशिश करें कि आपकी वजह से लोग खुश रहें, और भाई ख्याल रखो लोगों का, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखो। नहीं भी रखोगे तो कुछ ज़्यादा तुमने कोई ख्याल रख के कौन सा तीर चला लेना, लेकिन फिर भी तुम्हारे उस 2 मिनट की मुस्कुराहट की वजह से शायद किसी इंसान का दिन पूरा चल रहा हो और वो हंस पड़े तो वो तेरे को याद रखेगा, याद रखेगा तो कल को वो तेरे काम भी आ सकता है, ठीक है ना। तो आज हम सुनने वाले हैं उमर अंजुम का गाना सैवेज, लिखना पड़ेगा ना साथ सैवेज। सैवेज को हम बहुत देर बाद सुन रहे हैं, बेसिकली हम वो 021 क्या है वो सुनने वाले हैं। और ये कौन सा रिएक्शन है, लेजिट रिएक्शन, लेजिट रिएक्शन। अच्छा भाई रिएक्शन व्यू स्टोरी भाई बहुत है दुनिया के अंदर, अच्छी बात है, कर रहे हैं सारे के सारे। तो भाई आज हम सुनने वाले हैं लुकमा। अब मैं रुक जाओ एक सेकंड, मैं पहले देख लूँ कि मैंने लुकमा सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ। यार एक तो मेरे को याद ही नहीं रहते कि मैंने कौन सा गाना सुना हुआ है कौन सा नहीं सुना हुआ, लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ। मेरे सामने आया और मैंने कहा क्यों ना सुना जाए, इसके आगे न्याजी लिखूँगा ना, NIAZI लुकमा जंप मैंने सुना है, मेरा जंप। अबे ये लीजेंड रिएक्शन वाले कौन है भाई, इनके इतने ज़्यादा रिएक्शन आ रहे हैं। खैर भाई मैंने जंप सुना हुआ है। खैर स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग। सतार्थ अब्दुल सतार ही किंग यार, जैसे उस बंदे ने मदद की थी ना लोगों की, उसी तरह तुम लोगों ने अगर की ना तो इतना बड़ा काम तो नहीं है, ख्याल रखना है बस। तो भाई स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग को, चेक करते हैं कि उमर अंजुम और सैवेज क्या लेकर आए हैं। बाबा जी ये एक नाम खुद का बनाना है, एक नाम करना है रोशन, छोटी उम्र से ही देखे लोगों के ये सौरंग, डैडी लेफ्ट राइस जैसे उसके थ्री सन, खुदा के फैसले आए लोग के फॉर अ रीजन, वी डोंट एंटरटेन जेलसी ऑन आवर टेबल, बजा उर्दू रैप। थ्री सन उमर अंजुम फरहान अंजुम, ये उमर ये कितने भाई हैं भाई, लेकिन ये अब बात तो समझ आ रही है बाप वाली, लेकिन ये बाप वाली बात को मैं इतना खोलना नहीं चाहूंगा, तो इसका मफहूम क्या ब्रो, ये कोई और ही बताएगा कमेंट कमेंट में तो बताए मैं। लेकिन इस तरह की लाइन ना अंजुम यूज कर चुका हुआ है, रेडी लेफ्ट थ्राइस काम करना है रोशन, छोटी उम्र से ही देखे लोगों के ये सौरंग, हेडी लेफ्ट थ्राइस जैसे उसके थ्री सन, खुदा के फैसले आए लोग के फॉर अ रीजन, वी डोंट एंटरटेन जेलसी ऑन आवर टेबल, बजा उर्दू रैप। वेक अप द नेबर्स, नेबरहुड से मैं चाहिए एक हाउस विद नो नेबर्स, 4 एकड़ फक यू हेटर। एक एकड़ में 4 किले होते नहीं, एक से अबे यार साहब किताब ही कनाल, कनाल के बाद एकड़ आता है किले। अब मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, अबे भाई सोने का टाइम आ गया मेरा। ग्रुपीज इन माय डीएम्स, व्हाट्स लव लाइक, फटे उनकी मिलने से दैट्स थग लाइफ। अरे बाप रे बाप, विद नो नेबर्स 4 एकड़, फक यू हेटर। ए ग्रुपीज इन माय डीएम्स, व्हाट्स लव लाइक, फटे उनकी मिलने से दैट्स थग लाइफ। यार पी के सेंटी मेरे बर्ड वाइस, कच्चा था वो फरश अब है मेरा रग राइट, लिटिल एफर्ट तेरी गेम में तू स्टुअर्ट, बाउंसर पीछे करे तुझे बिच दूरट, शी वांना मीट स्टुअर्ट हमारे सब। यार पी के सेंटी मेरे बर्ड वाइस, कच्चा था वो फरश अब है मेरा रग राइट, लिटिल एफर्ट तेरी गेम में तू स्टुअर्ट, लेफ्ट तेरी गेम में तो स्टुअर्ट। तो खैर ये तो आसान था लेफ्ट है ना, मतलब स्टुअर्ट, लेकिन अच्छी जगह यूज किया गया हुआ, लेकिन नीट लेफ्ट तेरी है ठीक है। सिर पीछे करे तुझे बिच दूरट, शी वांना मीट 30 अ कूगर, मीठी बातें करे वे शी वांना मीट। लेकिन मेरा ज़ेन क्यों उधर जा रहा है भाई, मेरा आरामी ज़ेन है, हालांकि बात इतनी बड़ी नहीं। मेरा रग राइट, लिटिल एफर्ट तेरी गेम में तू स्टुअर्ट, बाउंसर पीछे करे तुझे बिच दूरट, शी वांना मीट 30 अ कूगर, मीठी बातें करे व्हेन शीज़ हाई शुगर। ओ मेरे खुदा, इसका म्यूजिक मुझे ना बिल्कुल सेंटी कर रहा है।
कहीं क्या बोले, आईना मुझे याद आ गया। आईना मैंने बहुत सुना, मैं बहुत सुना आईना, मैं रोया है उस गाने को सुनते। वो बड़ा यार मुतासिर कर रहा था गाना, और उसी तरह ना इसका जो म्यूज़िक, इसका जो जोन है ना ब्रो, मैं दुआ कर रहा हूँ कि सैवेज का अब जो मैं वर्ड सुनने वाला हूँ इसमें रेफरेंस ही गेम ना हो खाली, बल्कि जज्बात भी हो। हम एक रूह तो जिसमें फर्क ज्यादा है भी नहीं, जो लोग सुनते तुझे उनसे ज्यादा कह भी नहीं, जो छुप जाते मुझ में वैसे है भी नहीं, समझ सके दर्द तेरा लोग ज्यादा है भी नहीं, बहुत सुना वॉइस, आई होप आई कीप द लेगेसी, चाहिए शूट पे वैनिटी। ठीक ठीक, एक सेकंड ब्रो, मेरे को फिर से आने दो, मुझे था कि ये उसी तरह आएगा, लेकिन हम एक रूह तो जिसमें फर्क ज्यादा है भी नहीं, जो लोग सुनते तुझे उनसे ज्यादा कह भी नहीं, जो छुप जाते मुझ में वैसे है भी नहीं, समझ सके दर्द तेरा लोग ज्यादा है भी नहीं, बहुत सुना वॉइस, आई होप आई है भी नहीं, है भी नहीं। यार ये इसके लफ्ज ना मुझे इतने घबरा डाल देते हैं ना कि मुझे ऐसे लगता है वर्ड प्ले कोई गेम लग रहा है। जो लोग सुनते तुझे उनसे ज्यादा कह भी नहीं, जो छुप जाते मुझ में वैसे है भी नहीं, समझ सके दर्द तेरा लोग ज्यादा है भी नहीं, बहुत सुना वॉइस, आई होप आई कीप द लेगेसी, चाहिए शूट पे वैनिटी, लेबल चाहिए मैस अपील, फैमिली की तरह रखता क्लोज अपना एनिमी, लाख में चाहिए बेटे, get a better deal, रखी high hope, sky is my limit, सन्ने टीवी वाला रैपर, मैं करता नहीं हूँ गिमिक्सन, रुपए मैं खर्च करता, डॉलर में आती रेमिटेंस, स्टाइलिस्ट सर खाती बिच, I don't want your assistance, चाहिए 5 मिनट, to pull up at your residence, तेरा सीन को रोशनी। So basically, इसका जो थीम रखा गया हुआ था, जो भी रखा गया हुआ था, और उन्होंने अपने लफ्जों में डाला, तो जिस तरह उमर अजुम का था वर्स, सेम एज इट इज़ ही है अगर देखा जाए, मतलब काफ़ी मिलता जुलता है, और उस गाने की मेरे ख्याल से लाइन भी बोल दिया था, उन दोनों की बात की थी कि अपन दोनों एक जैसे ही हैं दादा, इतना फ़र्क भी नहीं है, तो उन्होंने वर्स भी ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, लेकिन मतलब कैसे बोलते, जैसे एक गाने के अंदर अक्सर हम देखते हैं कि आर्टिस्ट जो होता है अपना अपना वर्स लिखता है ना, तो उसमें बहुत सी मतलब एक कहीं और बात जा रही होती है, कहीं दूसरी कहीं और, कैसे मैं समझाऊँ यार, ये तो मैं खुद ही फंस गया। मतलब दो या तीन आर्टिस्ट इकट्ठे वर्स लिख रहे हैं तो उसमें फ़र्क आएगा, और एक दफ़ा ऐसा होता है कि यार एक ही थीम रखा जाता है, उसी थीम पे ऊपर बात कीजिए, अब फंस गया ना ये प्रो के, तुम समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो हाँ बहुत मिलता जुलता है आपस में, बस वर्ड चेंज है। मॉडर्न एरा एडिसन, ऑल आई स्मोक इज लाउड बेटे, रोशनी और एडिसन, यार ये जी एक दफा क्या हुआ मेरे से ना रेफरेंस को पता नहीं, थॉमस एडिसन क्या हुआ, बंटाई का एक गाना था कोई, बंटाई की पब्लिक बोले तो तकलीफ, गाने का नाम भी यही था भाई जी, तू ही में मेरे बाजू दे दी, बट तू तू कहता है कि कृष्णा को सुनता तो मैं रेफरेंस मिस, मेरा दिमाग हिल गया, वो एमी मैंने एक रेफरेंस डाल दिया भाई, वो मेरे से पकड़ा है, अबे तुम भोसड़ी वालों 10-10 दफ़ा सुनते हो ब्रो, क्या मैं से उम्मीद लगा के बैठे हो कि मैं एक टाइम में क्या पकड़ लूँगा, मैं अपना नहीं पकड़ पा रहा, ये नीचे है काफ़ी, अबे भाई वो याद आ गया यहाँ से, उसके बाद मैंने मचाएंगे 4 की बचाएंगे, जो 3 आया था ये 2 आया था, fuck with the medicines, एक मिनट यार उसकी बात में रह गया, अच्छी बात अच्छी बात। पता था कि नैश माँ का ये सुपर डुपर ही होगा यार, इतना कमाल का ये म्यूजिक बना देता है ना, दिल गमजदा कर देता है मेरा।
लोकली जितना भी प्रोड्यूस किया गया हुआ ये सुपर डुपर सुल्तान की तरफ से किया गया, किसी का इजाफा नहीं है। खैर यार सब यार मैं ना क्या बोलूँ यार, मेरे को ना उमर अंजुम पसंद आ रहा है यार, तो मैं पागल हो रहा हूँ। मुझे एक चीज़ देखनी है उमर अंजुम के गाने के अंदर, आईना पे किसने किया था, क्यों उसकी वजह देखनी है मेरे को। आईना प्रोड्यूस बाय सुपर डुपर सुल्तान, मुझे पता था यार कितनी चीज़ यही कर सकते। ओए मेरे कमेंट पे 400 लाइक होने वाले हैं, अबे मैंने देखा अभी, सही है। अच्छा भाई बात ऐसी है कि यार सुपर डुपर सुल्तान जो है ना बहुत बहुत सेक्सी बच्चा है, मतलब गीली चुमी उसकी बनती ऐसे ना दो उंगलियाँ अगर के ना डालनी पड़ेंगी, तो मैं समझ रहे मतलब वो होता नहीं है यूट्यूब पे सेक्सी गर्ल्स किसिंग तो वो आराम ही। तो वाकई में यार इसका जो म्यूज़िक है ना बहुत शार्ट कर देता है ब्रो, मतलब वो ही शार्ट कर देता है, टच चार्ट हो जाते हैं भाई। मैंने वो कादिर कदर सुना बोल जाने का अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वो सुन के मैं रो पड़ा, मतलब आपके और म्यूज़िक में इतना जुनून होता है ना कि बंदा कहता है कि अभी मैं जंग के लिए चला जाऊँ। मतलब सिद्धू का जैसे गाना सुन के वैगनार आपकी बन जाती है ना फरारी या कोई वो जी वैगन, उस तरह वाला सीन होता है। तो उसी तरह ये गमजदा इतना कर देता ना जिसकी वो हाथ है, ऊपर से गाने ऐसे होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस गाने के अंदर यही बोलूँगा कि लग पे चल की किस्मत सुपर डुपर सुल्तान बहुत ऊपर की गई है मैं बोलूँ। सेकेंडली तुम लोगों को मतलब थीम एक ही यार, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, वो जो थ्रीसम मैं बोल रहा हूँ, वो तीन बाप वाली जो बात बोली वो मेरे को जानने का वो क्या हिसाब किताब था। मैं पता यार सैविज रेफरेंस गेम का है, ठीक है ना, उसको बोला जाता है, हालांकि मुझे वो चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद आती। अब तुम लोग कहोगे कि रेफरेंस समझ नहीं आते, नहीं यार ये बात नहीं है, कृष्णा भी तो मैं कृष्णा को सुनता हूँ, वॉयस को सुनता हूँ, मेरे को बहुत ओवर लगता है कि रेफरेंस टाइप। और जब वो इस तरह की चीज़ें बनाता है ना तो मेरे को दिल को मेरा सुकून पहुँचता है कि यार ये कुछ बैलेंस है। तो हाँ मेरे साथ ये होता है, और उमर अंजुम का जो सीन है ना ब्रो, वो मुझे अब या तो मैं पागल हो चुका हूँ या तो मुझे पता नहीं साथी तौर पे वो बंदा पसंद आने शुरू हो गया हुआ है, कोई गे हो गया हूँ मैं शायद, मसला हो सकता है भाई। यार लूप मटेरियल बनाना ना, मैं कहता हूँ ना ऐसे गाने ना नहीं बनते बार, नहीं बनते यार। फ़ख्र है मेरे को, फ़ख्र आज़म भी है और फ़ख्र भी है और फ़ख ऑफ़ भी है। तो ये है कि यार अपने मुल्क के जो आर्टिस्ट हैं ना बड़े स्ट्रिक्टली अपने रूल्स के साथ चलते हैं, और बहुत ही जैसे कहते हैं ना मतलब कोई उम्मीद नहीं नज़र आती, और वो अपने बलबूते ही उन्होंने करना है जो करना है, उनको ऐसी चीज़ देनी पड़ेगी जिसकी वजह से उनको व्यूअरशिप आए अच्छी। मतलब समझ रहे हो तुम इस चीज़ को, महसूस कर पा रहे हो जो मैं कह रहा हूँ, अंदर जा रहा तुम्हारे बोला सी सुहा। और ये वायस को सुनता हूँ लेगेसी में कायम रख पाऊँ, सैविज कर लेगा ब्रो, वो लोग कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये कंसिस्टेंसी इनकी थोड़ी और ज़्यादा हो जाए। हालांकि मैं सबसे ज़्यादा लेट व्यूज चोरी करता हूँ, दो हफ्ते हो गए इस गाने को, बट और तेज़ कर दे और कोशिश करेंगे वीडियो सॉन्ग्स निकालें। अब तो ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान को हिप हॉप को मतलब वीडियोज़ का, लेकिन क्योंकि ये अलहदा एक चैनल है, रिप्रेजेंट करना है, और मैं समझ सकता हूँ कि पैसा लगता है, मुफ्ता कुछ नहीं होता। तुम कौन सा रिएक्शन चैनल खोल के बैठे हो, ठीक है ना, तो मुफ्ता नहीं होगा तुम्हारा, लेकिन मैं स्टिल चाहता हूँ कि वो ज़्यादातर उससे रेवेन्यू जनरेट ज़्यादा होगा, गाने अच्छे होते हैं, जैसे 2-3 लाख के करीब चला गया तो और गाने निकलेंगे। बाबा दिल पे लग गया मेरे, इसको भी हमने बहुत सुनना है। लाइट चलेगी भाई बीच के अंदर, अब मैं यहाँ पे वीडियो नहीं बंद करेगा, मैं वीडियो नहीं बंद करेगा, नहीं यूपीएस पे आई ऊपर नहीं लगाया हुआ जनरेटर, सारा कुछ नीचे। मिलता हूँ आप लोगों को किसी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाबा जी यस कमांडो।